Hello friends, let me discuss some of the tips. What are the do's and don'ts of English learning? So here we are going to discuss about some of the tips while learning language. Watch and try, we have applied them in real learning scenario. So some of the tips to learn and practice English. So first, aapka don't be afraid in making mistakes. Be confident. Dosto, jab bhi aap English language seekhein, us time aap mistakes karna jo hai, se aap ghabraiye mat. Yadi mistakes hoti hain, to hone dijiye, unse aap seekhenge. Confident rahiye. Then practice every day. Make a study plan. Decide कि कितना time आप एक week के अंदर English language सीखने के लिए दे सकते हैं और जो आपने plan decide किया है उस plan से stick रहिए. एक routine establish कीजिए friends. अपने आप को एक English speaking environment के अंदर place कीजिए and positively आपका क्या करें? Learn करें आपका. जो skills हैं उनको practice करें. Reading, writing, speaking and learning और आपका उनको improve करने के लिए वर्क कीजिए. हमेशा अपने साथ में एक नोटबुक का आप रखिए. उस नोटबुक के अंदर जो ही आपको नए वर्ड्स मिलते हैं उन न्यू वर्ड्स को आप लिखिए, उनको लर्न कीजिए और उनको आपका सेंटेंसेस के अंदर यूज कीजिए. प्रोनाउंस कीजिए एटलीस्ट 3 times एंड रिवाइज कीजिए एटलीस्ट आपका 3 days. फ्रेंड्स आप हैं वो आपका गोल्स बनाइए. जो गोल्स हैं वो आपके 2 type के हो सकते हैं. एक आपके लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने के लिए, एक आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं. लॉन्ग टर्म गोल जैसे कि आपको IELTS एग्जाम पास करना है इन नेक्स्ट 6 months के अंदर. शॉर्ट टर्म गोल्स आपका हो सकता है हर दिन आपको 50 वर्ड्स नए जो हैं वो लर्न करने हैं. तो आप देखेंगे कि आपका 50 वर्ड्स हर दिन आप सीखते हैं तो 30 डेज के अंदर 1500 वर्ड्स आप लर्न करते हैं और 6 मंथ्स के अंदर 9000 वर्ड्स आप लर्न करते हैं. तो आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी जो है वो आपका हो जाता है. जब भी आप शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करते हैं तो आपका एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए. आपका अपने आप को एक इंग्लिश लर्निंग एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर रखिए. जैसे कि आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं आपके चारों तरफ, वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हैं. आप एक लाइब्रेरी आपके पास में है तो उस लाइब्रेरी के अंदर आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे आप इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग के जो लोग हैं या फिर जो आपका बुक्स जो हैं वो आप रीड कर सकते हैं. जब भी कोई आपको डाउट्स हैं आपका नए वर्ड्स के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में, ग्रामर में, तो आप अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स जो इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं उनसे, या फिर आप हमें भी क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं. जो भी आपके टॉपिक्स आपने लर्न किए हैं, आपने नए वर्ड्स आपने लर्न किए हैं या जो भी आपने रूल्स आपने लर्न किए हैं उनको आप रिवाइज कीजिए. अपने जो नोट्स हैं उन नोट्स को आपका गो थ्रू होइए, टाइम निकालिए और आपका बार बार उनको आप रिवाइज कीजिए. देन फ्रेंड्स जो आपने अपनी नोटबुक में नए वर्ड्स की लिस्ट बना रहे हैं उस लिस्ट को आप मेमोराइज कीजिए. मेमोराइजेशन जो है वो आपका एक सबसे अच्छा तरीका है न्यू वर्ड्स जो हैं उनको आपका सीखने का. एक चीज और आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ फ्रेंड्स कि जब आप नए वर्ड्स आप सीखते हैं उस नए वर्ड के जो भी आपका अलग अलग फॉर्म्स होते हैं या फिर उससे रिलेटेड और क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं उसको भी आपको क्या करना चाहिए, आपको साथ साथ में सीखना चाहिए. जैसे कि आपका उदाहरण के लिए ब्यूटी आपका एक वर्ड है आपका, तो ब्यूटी हो गया आपका, ब्यूटी से ही संबंधित आपका ब्यूटीफुल हो गया आपका और इसी से संबंधित आपका ब्यूटीफुली हो गया आपका. तो जब आप एक वर्ड नया ब्यूटी सीख रहे हैं तो उसके अलग फॉर्म्स या उसके संबंधित जो दूसरे जो वर्ड्स हैं उनको भी देखिए, उनको भी आपका सीखिए. फ्रेंड्स आप अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको आपका यूज कीजिए लर्न करने के लिए. यदि आप मॉर्निंग के अंदर नहीं स्टडी कर सकते तो आप आफ्टरनून के अंदर स्टडी कीजिए. आपका ऐसे फ्रेंड्स जो आफ्टरनून इवनिंग में स्टडी नहीं कर सकते हैं उनको आपका मॉर्निंग के अंदर आपको स्टडी करना है. फ्रेंड्स टाइम निकालिए, उसके बाद में आपका टेस्ट जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट लीजिए, मॉडल एग्जाम्स लीजिए, जो आपका क्विज है उनके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए और दूसरे जो आपका टेस्ट आपका प्रैक्टिस टेस्ट है उनके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए. फ्रेंड्स एक और आपका अच्छा तरीका इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने का वो है आपका न्यूज़पेपर. और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आप हर दिन रीड करें क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में आपको पैसिव कंस्ट्रक्ट्स के जो सेंटेंसेस हैं वो सीखने को मिलेंगे, नए वर्ड्स आपको मिलेंगे जहाँ जो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं. उसके बाद में जब भी आप न्यूज़पेपर को रीड करते हैं सेंटेंस को तो जो आपका वर्ड्स हैं उनको आपका मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की ट्राई मत कीजिए. जो सेंटेंस है उसको एक बार कम्प्लीटली रीड कीजिए, तो आपको वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे हैं उनके आगे पीछे के वर्ड्स देखिए और आप एक
उस जो वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है उसका जो मीनिंग है उसको गैस करने की आप कोशिश करें। जब न्यूज़पेपर आप रीड कर रहे हैं तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और उसको आपका अलाउड यानी कि आपका बोलते हुए उसको क्या कीजिए, रीड कीजिए। फ्रेंड्स, जो यूट्यूब है उसके ऊपर आपको इंग्लिश वीडियोस या मूवीज जो हैं वो आपको देखना चाहिए। जो वीडियो और मूवी आप देख रहे हैं उनमें कैप्शंस होने चाहिए, आप यानी कि जो वर्ड्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर आपका लिखे हुए आने चाहिए। जब आप मूवी देख रहे हैं तो उस टाइम में जो स्पीकिंग है, जो कन्वर्सेशन है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। जो आपका कैप्शंस है उनको रीड कीजिए। आपका जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो जो आपका वापिस से वीडियो को आप रिवाइंड कीजिए, बार बार उसको क्या करें, आप रिवाइंड करें, अंडरस्टैंड करें स्पीकिंग को, और आपका नए वर्ड्स जो हैं उनको आप सीखिए। जब आप घर के अंदर हैं तो फ्रेंड्स अपना जो टीवी है उसको आपका इंग्लिश चैनल लगा करके उसको ऑन करके रखिए। आप एक्टिवली उसको लिसन नहीं कर रहे हैं फिर भी आप अपने जो ईयर्स हैं उसको इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो आपका हिंदी लैंग्वेज है उसके जो सेंटेंसेस हैं उनको आप इंग्लिश के अंदर कभी भी ट्रांसलेट मत कीजिए। जब आपको कोई भी आपको सिचुएशन मिलता है जिसमें इंग्लिश आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो उस टाइम में आप इंग्लिश के बारे में सोचिए, जो वर्ड्स हैं उनके बारे में सोचिए और इंग्लिश में सोच करके आप उनको लिखें, आपका ट्रांसलेट नहीं करें। आप फ्रेंड्स टाइम निकाल करके जो भी आपने सीखा है उसको रिवाइज कीजिए, उसको रिकॉल कीजिए, उसको आपका रीड कीजिए। आपका फ्रेंड्स जो आपके रिसोर्सेज हैं लर्निंग के उनको आपका विजिट करते रहिए, जैसे कि आपका जो वेबसाइट्स हैं, आपका जो आपके मटेरियल आपके पास में, और उसको आपका प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा, जो सिचुएशंस होती हैं, इवेंट्स होती हैं, ओकेजंस हैं, सेलिब्रेशंस हैं, उनके बारे में इमेजिन कीजिए। उन सिचुएशंस के अंदर आप ओकेजंस के ऊपर आप क्या सेंटेंसेस आप वहाँ पे बोल सकते हैं, क्या वर्ड्स आप यूज करेंगे, उनके बारे में सोचिए, थिंक कीजिए और उनको आपका यूज कीजिए। फ्रेंड्स, जब भी आप इंग्लिश लर्न कर रहे हैं तो आपको क्या नहीं करें, बीच के अंदर आप उसको स्टॉप नहीं करें, क्योंकि यदि आप बीच में स्टॉप करते हैं तो आपका जो सीखा है वो आपका डिक्रीज होता जाएगा और दोबारा से आपको उस लेवल पर आने के लिए काफी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कभी भी आपका ज्यादा आपका क्या नहीं कीजिए, आपका जल्दी मत कीजिए। आपका जो आप जिस लेवल के ऊपर हैं उस लेवल के ऊपर आप अच्छी तरह से सीखें, कॉन्फिडेंट हों, आप अपने आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर आप प्रमोट होते जाएं। डोंट गिव अप, कभी भी आपका हताश मत होइए, गिव अप मत कीजिए, स्टे पॉजिटिव। कई बार आपको लगेगा कि भी आप नहीं सीख रहे हैं जल्दी से, ये सबके साथ में ऐसा होता है, बट इसके बारे में चिंता मत कीजिए, आप लास्ट के अंदर इंग्लिश जरूर से सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, आप अकेले 30 मिनट से ज्यादा आप स्टडी मत कीजिए। 30 मिनट स्टडी करने के बाद में एक रेगुलर ब्रेक लीजिए, फ्रेश एयर लीजिए, लेग्स आपका स्ट्रेच कीजिए, रिलैक्स होइए और जो आपने सीखा है उसको आपका रिकॉल कीजिए। डू रीड, डू लिसन, डू वॉच, डू स्पीक, डू राइट, डू टॉक, डू थिंक, डू रिकॉल, डू रिव्यू, डू प्रैक्टिस, ओनली इन इंग्लिश यू विल श्योरली अचीव योर गोल्स। तो फ्रेंड्स, इस कोर्स के अंदर रजिस्टर कीजिए और ये जो आपके टिप्स है उनको आप इंग्लिश लैंग्वेज जब सीख रहे हैं उस टाइम में आपका फॉलो करते रहिए। ऑल द बेस्ट।